करी तो उसको बेस पर छोड़ना पड़ेगा, उसको 3 महीने से बढ़ाकर वो कहते हैं 6 महीने कर दीजिए जिससे और साल तक रख सके। यानी कि सारा अटेम्प्ट ये है कि किसी के खिलाफ कोई एविडेंस हो या ना हो, जिसको चाहे वो अरेस्ट कर लें, उसके खिलाफ कुछ भी फर्जी एविडेंस बनाकर उसको सालों साल साल भर तक तो पुलिस कस्टडी में रखें, उसके खिलाफ 40 केस चलाएं, कई साल तक वो अपने, पहली बात तो किसी के लिए इस तरह से 40 केस डिफेंड करना अलग अलग सिटीज में जैसे इन लोगों ने चला रखे हैं, डिफेंड करना ही इम्पॉसिबल है, पर अगर उसने किसी तरह से कर भी लिया तो 7-8-10 साल तो वो केस चलेंगे, तब तक वो जेल में सड़े और उसके बाद छूटना हो छूट जाए, मतलब ये सारा हो गया है। ये जब उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि भाई आज मौजूदा कानून में क्या खामी है, आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई आतंकवादी है और आपके पास ज़रा भी उसके खिलाफ एविडेंस है तो उसको पकड़ने में ये मौजूदा कानून में क्या खामी है, जो आम कानून है आईपीसी सीआरपीसी, इसमें क्या कमी है जिसकी वजह से आप इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसको आप जेल में नहीं रख पा रहे हैं, इसका कन्विक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमी है? कोई कमी नहीं बता सकते, क्योंकि किसी के पास जरा भी एविडेंस हो उसको पकड़ने का पूरा अधिकार है नॉर्मल कानून में, उसके लिए और कोई सख्त करने की कानून को करने की जरूरत नहीं है, उसको पकड़ा जा सकता है। जरा भी अगर आपके पास एविडेंस है कि उसके आतंकवादी गतिविधियों का, तो कोई कोर्ट उसको बेल नहीं देगी, और एविडेंस है तो आप उसका कन्विक्शन करा सकते हैं। ये सब जो कानून बनाए जा रहे हैं कि भाई पुलिस कन्फेशन के आधार पर हम उसका कन्विक्शन करा लें, उसको बेल डिनाई कर दें चाहे कोई एविडेंस ना हो, ये सब तो इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि भाई किसी के खिलाफ अगर कोई बिल्कुल बेकसूर है उसको भी आप जबरदस्ती पकड़ के रखना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को आप पकड़ के रखना चाहते हैं, मीडिया वालों को अगर आप पकड़ के रखना चाहते हैं कि भाई कोई मीडिया अगर ये दिखाता है कि भाई पुलिस का वर्जन झूठा है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहता है कि भाई ये आप अत्याचार कर रहे हैं तो उसको बंद कर दिया जाएगा। आप इस तरह की पावर चाहते हैं कि सारा जो भी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं इस एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जो डेमोक्रेट जो डिसेंटिंग वॉइसेस हो सकती हैं, जो आपसे नहीं एग्री करता, उनका मुंह बंद करने के लिए आप इस तरह के कानून लाना चाहते हैं, इस तरह की पावर पुलिस को देना चाहते हैं, जबकि आपको सबको पता है कि पुलिस आज इस देश का सबसे भ्रष्ट, इस देश की सबसे भ्रष्ट संस्था है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कुछ साल पहले एक सर्वे किया था, उसमें यही पाया कि पुलिस इस देश की सबसे भ्रष्ट संस्था है और उसके बाद न्यायपालिका। नेक्स्ट, तो ये जो एक धारणा बन गई है कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ माओवाद के खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे, इनको हम बिल्कुल क्रश कर देंगे, क्या ये सक्सीड करता है कहीं? अगर इराक में देखें क्या हुआ, अफगानिस्तान में देखें क्या हुआ, तो इराक में और अफगानिस्तान में तो अमेरिका की पूरी फौज लगी है, उनकी आर्मी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, जिसको चाहे गोली मार दें, जिसको चाहे रेप कर दें, जिसको चाहे टॉर्चर कर दें, कितनों को किया, हजारों को किया, लाखों को किया, कोई उनसे पूछ नहीं सकता, कोई जवाब दे ही नहीं है। इससे सख्त कानून क्या हो सकता है, इससे ज्यादा पावर क्या हो सकती है, लेकिन क्या उससे आतंकवाद इराक में या अफगानिस्तान में खत्म हो गया? उससे तो और बढ़ गया, क्योंकि जब आतंकवाद की उपज, ये नोम चॉम्स्की एक अमेरिका के एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बोली थी, उन्होंने बोला था, देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ, जब 9/11 का जब अटैक हुआ था उसके बाद उनसे पूछा गया
कि भाई अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है, और आपका क्या कहना है? तो उन्होंने बोला, as to how to react to 9/11, we have a choice. यानी कि 9/11 की घटना के ऊपर हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा या होना चाहिए, हमारे पास चॉइस है. वी कैन एक्सप्रेस जस्टिफाइड हॉरर, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बहुत बुरा हुआ. वी कैन सीक टू अंडरस्टैंड व्हाट मे हैव लेड टू द क्राइम्स, हम ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई ऐसा लोगों ने क्यों किया जिसमें कि 20 आदमी अपनी जान देने, उनको पता है कि वो हवाई जहाज उड़ा कर ले जा रहे हैं उन बिल्डिंग्स में, उनको पता है कि भाई ये मरेंगे. 20 आदमी ऐसे अलग अलग देशों से ये मरने के लिए क्यों तैयार हो गए? विच मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू एंटर इन टू द माइंड ऑफ द लाइकली परपेट्रेटर्स. यानी कि अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो हमको उनके दिमाग में, उनके जहन में घुसना होगा समझने के लिए कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया. वी मे ट्राई टू अंडरस्टैंड और रिफ्यूज टू डू सो, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लाइकलीहुड दैट मच वर्स लाइज अहेड. यानी हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हमको ये समझने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो इन लोगों को बम से खत्म कर देंगे. अगर हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आगे इससे और खराब होने वाला है, क्योंकि अगर आप सिर्फ फोर्स से ऐसे लोगों को जिसको आप कह रहे हैं कि हम नक्सलवादियों को तो हम फोर्स से, आर्मी एयरफोर्स से उड़ा देंगे, बम गिराएंगे वहां पर वगैरह वगैरह, अगर आप ये करेंगे तो जिस वजह से आज माओवाद फैला है, नक्सलवाद फैला है इस देश में, वैसी कंडीशंस आप और बढ़ाएंगे जिससे कि और माओवाद और नक्सलवाद फैलेगा, उससे खत्म नहीं होएगा. तो इसलिए ये सब चीजें हम लोगों को समझ के और सरकार को अच्छी तरह से समझ कर आगे कदम उठाना चाहिए. ये सब जो आज जो कहा जा रहा है कि भाई अब हम मिलिट्री फोर्स यूज करेंगे, इससे कोई समस्या हल नहीं होने वाली, इससे खून खराबा बढ़ेगा और वायलेंस बढ़ेगा सोसाइटी में, और हम ये प्रॉब्लम कभी हल नहीं कर पाएंगे. इसका एक ही सलूशन है, क्योंकि ऐसे लोगों से अगर आप डील कर रहे हैं जिनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रीवेंस है. ऑब्वियसली जो माओवादी हैं, जो जंगल में रहते हैं, बड़ी कठिनाइयों में रह रहे हैं, उनको पता है कि वो कभी भी मारे जाएंगे, उनको ऑब्वियस है कि उनको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रीवेंस है, और जाहिर है कि होगी जब उनका जमीन आपने छीन ली, उनका घर छीन लिए, उनके सलवा जुलूम बना बना के आप उनके फैमिली वालों को मारे जा रहे हैं, और फिर अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं तो पुलिस उनको पिटवाती है, तो फिर उनको, उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? जाहिर है कि उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस है. तो जब तक आप उनकी ग्रीवेंस नहीं समझेंगे कि उनको क्या इतनी ग्रीवेंस है कि भाई इतनी कठिनाई में रहकर अपनी जान की बाजी लगाकर वो हथियार उठाने पर खड़े हो गए हैं, हथियार उन्होंने उठा लिए हैं, तब तक आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ये सरकार को समझना चाहिए, बजाय इसके कि भाई हम कड़े कानून लाएंगे, हम आर्मी एयरफोर्स यूज करेंगे, हम इनको क्रश कर देंगे, ये तो बिल्कुल गलत तरीका है. धन्यवाद.